हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ इन छह चीजों को अपनी डाइट में मिलाएं और किडनी की पथरी से निजात पाएं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल के आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो अपलोड के लिए। किडनी हमारे शरीर का बहुत ही खास पार्ट है। कहा जाए तो आम भाषा में किडनी को छलनी का नाम दिया गया है, क्योंकि किडनी हमारे शरीर में मौजूद सारी गंदगी को छान के हमारे शरीर को शुद्ध खून देता है। पर कई बार अचानक हमें पेन होने लगता है किडनी वाली जगह, और हमें लगता है कि कहीं ये किडनी में पथरी होने के संकेत तो नहीं। पर अक्सर ऐसा होता है कि किडनी में पथरी हो जाती है, आप ऑपरेट करा लेते हैं तो भी दूसरी बार पथरी हो जाती है, और वो पथरी कई बार बड़ी भी होती है। तो कैसे आप इस किडनी के पथरी से छुटकारा पा सकते हैं, वो भी अपने डाइट चार्ट को थोड़ा सा चेंज करके। तो आपको अपने डाइट चार्ट में मिलानी है छह ऐसी चीजें जो कि आपकी पथरी से लड़े और उसी के साथ साथ वापस से आपके शरीर में पथरी को बढ़ावा ना दे। तो पहली चीज जो आपको अपने डाइट में मिलानी है वो है नारियल पानी। नारियल पानी बहुत अच्छा बताया गया है किडनी के लिए और किडनी स्टोन के लिए, क्योंकि नारियल पानी एक बहुत ही नेचुरल एंटीबायोटिक है और ये हमारे शरीर को बहुत अच्छा रखता है। उसी के साथ साथ ये हमारे शरीर में मौजूद किसी भी गंदगी को हटाता है और हमारे शरीर को बीमारी से फ्री करता है। दूसरी चीज जो आपको आपकी डाइट में मिलानी है वो है लेमन जूस या नींबू का रस। नींबू का रस बहुत ही अच्छी मात्रा में सिट्रेट कंटेन करता है, उसके अंदर सिट्रेट मौजूद होता है, और इस वजह से ये हमारे शरीर में यूरिन का डेवलपमेंट बहुत अच्छी मात्रा में कर लेता है। और जितना ज्यादा हमारी बॉडी में यूरिन बनेगा उतने ही कम चांस होंगे कि किडनी की पथरी बने। इस वजह से आप नींबू के जूस का सेवन करते रहें। इसी के साथ ये हमारे शरीर में मौजूद पथरी को भी बढ़ावा नहीं देता है। अगर आपके शरीर में पथरी हो चुकी है पहले से तो भी आप नींबू ले सकते हैं। इस वजह से यह आपके शरीर में जो मौजूद पथरी है उसे बढ़ने नहीं देगा और कहीं ना कहीं कोशिश करेगा कि वो पथरी को भी काट दे। तीसरी चीज जो आपको आपकी डाइट में मिलानी है वो है गाजर। गाजर बहुत ही ज्यादा भरपूर होती है विटामिन B6 में, विटामिन सी में। इसी के साथ ये किडनी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। यह हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है और इसके अंदर मौजूद विटामिन ए है जो कि किडनी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। तो गाजर को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। चौथी चीज जो कि आपको डाइट में मिलानी है वो है मूली। मूली को तो वरदान के तौर पर माना गया है किडनी की पथरी के लिए, क्योंकि मूली हमारे शरीर में पथरी को ना सिर्फ बनने से रोकती है बल्कि पहले से मौजूद पथरी से भी छुटकारा दिलाने में बहुत मदद करती है। तो मूली को जरूर खाएं या मूली का रस पिएं, क्योंकि मूली के अंदर मौजूद विटामिन के हमारे यूरिनरी कैल्शियम को कम करता है ताकि नई पथरी ना बन सके, और इसी के अलावा ये हमारी किडनी को क्लीन भी करता है। तो मूली को अपनी डाइट में जरूर मिलाएं। पांचवी चीज जो आपको आपकी डाइट में मिलानी है वो है केला। केले के अंदर मौजूद है विटामिन B6। केले के अंदर मौजूद होता है कम नमक और अच्छी मात्रा में उसके अंदर होता है फाइबर और मैग्नीशियम। इस वजह से केले में वो सारी चीजें होती हैं जो कि ना सिर्फ हमें पथरी से फायदा दिलाती है बल्कि हमें किडनी के कैंसर से भी बचाने में मदद करती है। तो केला बहुत ही ज्यादा गुणकारी है आपकी किडनी की पथरी के लिए, तो केले को अपनी डाइट में जरूर मिलाएं। सिक्स्थ और लास्ट चीज जो आपको आपकी डाइट में मिलानी है वो है तरबूज यानी वाटरमेलन। तरबूज के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन के होता है और ये हमारी किडनी को यूरिन फॉर्मेशन में बहुत मदद करता है। अगर आप तरबूज खाते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से यूरिन बनेगा, इस वजह से हमारे किडनी में मौजूद कैल्शियम की मात्रा डाइल्यूट हो जाएगी और पथरी बनने की गुंजाइश कम हो जाएगी। तो ये थी छह डाइट जिनकी मदद से आप अपने बॉडी में मौजूद पथरी को या फिर फ्यूचर में होने वाली पथरी को रोक सकते हैं, उसके निर्माण को रोक सकते हैं और छुटकारा पा सकते हैं पथरी से जुड़े हुए दर्द में। आपको अपनी लाइफस्टाइल में एक सबसे बड़ा जो चेंज करना है वो है पानी की मात्रा को बढ़ा देना। आप खूब पानी पिए, आप इतना पानी पीजिए कि आपके किडनी में मौजूद सारी गंदगी निकल जाए और आपको किसी भी दूसरी डाइट का सहारा ना लेना पड़े। इन छह डाइट चीजों को मिलाने के बाद आपको चेंज करना है अपने पानी पीने के स्टाइल में। आप पानी की मात्रा को बढ़ा दें, कम से कम 6 लीटर पानी रोज पीजिए ताकि आपकी किडनी प्योर रहे और उसमें कोई भी गंदगी ना रुके। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल के आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए स्क्रीन पर आ रहे वीडियोस को अभी क्लिक करें। बाय बाय एंड टेक केयर।